सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक बहुत ही पुराने प्रोसेसर को ओवरक्लॉक, जो अपने टाइम का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर था। तो जो प्रोसेसर हम इस वीडियो में ले रहे हैं वो इंटेल का कोर 2 क्वाड क्यू 9500। तो आज भी मैंने सुना है कि प्रोसेसर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। मैंने इसे 8000 वाले पीसी बिल्ड में भी यूज़ किया था, तो मेरे पे प्रोसेसर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसे देखते हैं ओवरक्लॉक करके कि इसमें कितना डिफरेंस आता है पावर का, और ये i3 के बराबर हो पाता है या नहीं। तो अगर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, आज की वीडियो में जो प्रोसेसर लिया वो हमारा कोर 2 क्वाड क्यू 9500 है, जो एक LG 775 बेस प्रोसेसर है। इसमें आपको 4 कोर और 4 थ्रेड देखने को मिलते हैं, और इसमें जो कैश मेमोरी मिलेगी वो आपको मिलेगी 6 MB की। बट इसमें TDP है वो थोड़ी सी ज़्यादा है आपको, इसमें 95 वॉट्स की TDP है। बट इसका जो आर्किटेक्चर वो काफ़ी पुराना है। इसमें जो आर्किटेक्चर आपको मिलेगा वो मिलेगा यॉर्क फील्ड, जो 45 नैनोमीटर पे बेस्ड है, और इसमें आपको हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। वहीं आप अगर i3 में देखेंगे तो आपको हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट भी मिलेगा, और वो प्रोसेसर आपको मल्टीटास्किंग में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो गाइस, ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर था अपने टाइम का, इसकी रिलीज डेट है वो है 2010 की। तो मतलब मान सकते हैं 10 साल पुराना प्रोसेसर को हम i3 से कंपेयर कर रहे हैं, जो 2014 में लॉन्च हुआ था। इसकी जो ओरिजिनल क्लॉक स्पीड है वो है 2.83 GHz, बट हम इसे ओवरक्लॉक करने वाले 3.31 GHz तक। इसके लिए आपको स्टॉक कूलर पे नहीं कर पाएंगे, आपको कूलर चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने इसके लिए एक अच्छा सा कूलर लिया है जो मेरे मेन पीसी में लगा हुआ है। और गाइस, पीसी में जो अलग चीज़ें यूज़ करी है वो मैंने मदरबोर्ड के लिए हमने लिया है ASUS का P5G41T MLX, जो ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट करता है। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, सीधा बस मेरे को इस प्रोसेसर को लगाना है, ओवरक्लॉकिंग करनी है स्टार्ट। और इसमें रैम ने यूज़ करी है वो 8 GB की, और SSD इसमें हमने 120 GB की WD Green यूज़ करी है, जिससे हमें सबसे बेस्ट आउटपुट मिल जाए इस प्रोसेसर का। और इसमें ग्राफिक कार्ड मैंने यूज़ करा वो है Zotac की तरफ से आने वाले GTX 750 Ti, जो इसके हिसाब से बिल्कुल सफिशियंट है। तो कैसे देख लेते हैं कैसा परफॉर्म करता है बेंचमार्क में। तो गाइस, सबसे पहले चीज़ जो हमने इसमें बेंचमार्क करी है हमारे एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिसका नाम 8Film, काफ़ी अच्छा वीडियो एडिट सॉफ्टवेयर है, मैं भी इसे यूज़ करता हूँ। तो इसमें मैंने एक मिनट की वीडियो रेंडर करी है, जिसमें मैंने काफ़ी सारे इफेक्ट्स लगा दिए, जिससे इस रेंडर में ज़्यादा टाइम लगे। तो स्टॉक फ्रीक्वेंसी में मिले 2 मिनट 50 सेकंड्स, एंड जो ओवरक्लॉक करने के बाद मतलब 3.3 GHz के पहुँचने के बाद इसमें मिले 2.21 सेकंड्स। तो आप देख सकते हैं अराउंड 30 सेकंड्स का डिफरेंस आ गया है इसमें, जो काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाता है। और मैं सेकंड चीज़ जो मैंने बेंचमार्क करी वो हैंड ब्रेक, जो एक वीडियो कंप्रेसर है। तो इसमें स्टॉक पे मिले हमें 59 सेकंड्स, और ओवरक्लॉक करने के बाद हमें मिले 41 सेकंड्स, जो काफ़ी सही है। मैंने को इतना एक्सपेक्ट नहीं था, मुझे लगा था बस 10-5 सेकंड्स का फर्क आएगा, बट काफ़ी बड़ा डिफरेंस हमें दिखा। तो जब बात कर लेते गेमिंग की, तो गेमिंग के लिए सबसे पहले हमने जो गेम बेंचमार्क किया है वो हमारा CS:GO। स्टॉक में एवरेज FPS मिलता है अराउंड 77 या 80 के आसपास, और ओवरक्लॉक करने के बाद ये 107 तक पहुँच गया, जो मुझे भी यकीन नहीं हुआ इतना ज़्यादा हो गया। और कभी कभी अगर जैसे हम मिराज खेल रहा था मैं, तो उसमें आप कहीं और जाएंगे मैप के कहीं छोटी जगह पे, तो वहाँ आपके 200 प्लस भी चले जाते हैं FPS, जो बहुत ज़्यादा इनसेन है। मेरे को भी इसका यकीन नहीं हुआ था कि भी इतना ज़्यादा जा सकते हैं। तो नेक्स्ट गेम ने जो करा वो वैलोरेंट। वैलोरेंट में हमें स्टॉक पे मिलते हैं 69 FPS, और जो ओवरक्लॉक करने के बाद मिलते हैं वो हमारा 82 FPS। फिर जो थर्ड गेम है वो हमारा GTA 5, जो काफ़ी अच्छा गेम है। तो स्टॉक पे मिलते हैं हमें 49 एवरेज FPS, एंड ओवरक्लॉक करने के बाद मिलता है हमें 57 का एवरेज FPS। फिर जो हमारा फोर्थ गेम है वो हमारा रॉकेट लीग काफ़ी अच्छा गेम है, ये अभी आजकल ट्रेंड में आ रहा है, मैंने सोचा इसे भी ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हमें स्टॉक पे मिले 117 FPS, एंड जो ओवरक्लॉक करने के बाद मिले वो हमें मिले 138 FPS, जो काफ़ी अच्छे FPS है, आराम से आप 144Hz का डिस्प्ले पे भी इसे खेल सकते हो। और जो लास्ट गेम है वो हमारा माइनक्राफ्ट, जो एक प्रोसेसर डिमांडिंग गेम है, इसके लिए हमें स्टॉक पे मिले 88 FPS, और ओवरक्लॉक करने के बाद मिले हमें 91 FPS, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ कर सकते हो ओवरक्लॉक। तो कैसे ही थे बेंचमार्क, जो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थे, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। तो गाइस, मेक श्योर आपके पास एक काफ़ी अच्छा कूलर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा कूलर नहीं होगा तो ये प्रोसेसर हीट हो जाएगा, कि काफ़ी ज़्यादा पुराने प्रोसेसर हैं, इनकी TDP वैसे ही काफ़ी ज़्यादा होती है, 95 वॉट्स की TDP है, और ऊपर से आप इसे ओवरक्लॉक करोगे तो ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। तो मेरी मानना तो यह आप इसे ओवरक्लॉक ना करो, अगर कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा कूलर बाय करो इसके लिए। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और घंटे के आइकन को जरूर दबाना, वरना मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ नहीं मिल पाएंगी। तब तक के लिए बाय गाइस।